नमस्कार, मैं दिव्यांशी मालविया बी ए जे एम सी फाइनल ईयर सिक्का कॉलेज से स्वागत करती हूँ आपका माइक ऑन लाइफ ऑन पर। जैसा कि आप जानते हैं, आज 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती। गांधी जी और कई सारे ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों की बदौलत आज हमें आज़ादी मिल पाई है। तो चलिए चलते हैं राजघाट, जहाँ हमारे प्रधानमंत्री हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी को श्रद्धांजलि देने उनकी समाधि पर पहुँचे हैं। यहाँ हमारे साथ है श्रव्या श्रीवास्तव। ओवर टू यू श्रव्या। थैंक यू दिव्यांशी, मैं राजघाट पर हूँ, आपको यहाँ से सीधा प्रसारण दूंगी। राजघाट से परिचय के लिए किसी भी भूमिका की जरूरत नहीं है। ये गांधी जी का समाधि स्थल है, जिसे 31 जनवरी 1948 को उनके सम्मान में बनाया गया है। उनकी अंत्येष्टि के बाद गांधी जी के समाधि को काले पत्थरों से उनके सम्मान में बनाया गया है, जिस पर उनके बोले प्रिय आखिरी शब्द हे राम भी लिखा है। उनके सम्मान में वहाँ एक अखंड ज्योति हमेशा जलती रहती है। दिव्यांशी, दिल्ली से सीधा प्रसारण देते हुए मैं आपको बताना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजघाट पधार चुके हैं। आज महात्मा गांधी की 151वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बापू को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। वहाँ पर कुछ समय रुकेंगे और बापू को नमन करेंगे। उसके बाद वहाँ पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा आयोजित की जाएगी। Over to you, Divyanshi. थैंक यू श्रव्या। आइए चलते हैं उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में। अब आप ये सोचेंगे, यहाँ क्यों? भारती द्विवेदी लेकर आ रही है एक सक्सेस स्टोरी ऐसे शख्स की जिन्होंने गांधी जी को काफी करीब से देखा और इस आजादी की लड़ाई में उनका साथ दिया। चलते हैं भारती द्विवेदी के पास। ओवर टू यू भारती। थैंक यू दिव्यांशी। मैं खड़ी हूँ उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में। यहाँ हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर ए एन सक्सेना, जिन्होंने पूरे देश और दुनिया में गांधीवाद का प्रचार किया। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर के निवासी 90 वर्षीय डॉक्टर श्री एन सक्सेना प्रगाढ़ गांधीवादी हैं। इन्होंने कानपुर से निकलकर पूरे देश और दुनिया में काम किया और खूब नाम कमाया। जैसा कि उन्होंने हमें बताया, सन 1942 में जब गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की, तब मानो पूरा देश ही गांधीमय के साथ खड़ा हुआ। मैं और मेरे कुछ साथी गुपचुप इस आंदोलन के पक्ष में रात में कई जगह पर प्रचार पुस्तिका वितरित करते थे। इस आंदोलन में कहीं भी हमने हिंसा को नहीं अपनाया। ये थे गांधी जी के सिद्धांत जो आज भी प्रासंगिक हैं। थैंक यू भारत। इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट पर सक्सेना जी द्वारा लिखे गए गांधी जी के संस्मरण को आप भी पढ़ सकते हैं। हमारे साथ है आयशा खान, इंदौर के ही कस्तूरबा ग्राम से। ओवर टू यू आयशा। थैंक यू दिव्या जी। मैं यहाँ इंदौर के कस्तूरबा ग्राम में खड़ी हूँ। कस्तूरबा ग्राम मध्य प्रदेश का पहला ग्राम है जो महात्मा गांधी की धर्मपत्नी बा के नाम से बनाया गया है। यही वो जगह है जहां महात्मा गांधी के आत्मनिर्भरता के प्रतीक चरखा है। कस्तूरबा ग्राम का लक्ष्य है पुरानी परंपरा और नए प्रयोग से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना। यहां आज भी चरखे से खादी बनाई जाती है। आपको कभी भी ये एक्सपीरियंस लेना हो, आप यहाँ विजिट कर सकते हैं। ओवर टू यू दिव्यांशी। थैंक यू आयशा। जाने से पहले मैं महात्मा गांधी जी की याद में 2 लाइन गाना चाहूंगी। ज्योति तोरे दक्षिणी क्यों नाशे तुबे एकला चलूरे, ज्योति तोरे दक्षिणी क्यों नाशे तुबे एकला चलूरे, एकला चलू एकला चलू एकला चलू एकला चलूरे, ज्योति तोरे दक्षिणी क्यों नाशे गांधी जयंती।